हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सभी सामने जो आज आप गाड़ी देख रहे हैं ना, ये है भाई इंडिया की सबसे सेफेस्ट और सबसे प्रीमियम हैचबैक, जो कि है भाई टाटा ही एल्ट्रोज। लेकिन ये एक थोड़ा डिफरेंट एल्ट्रोज है, क्यों? क्योंकि ये है भाई इसका सीएनजी वेरिएंट, जो कि भी टाटा ने हाल ही में ही लॉन्च किया है। और इसमें ना टाटा ने एक अलग ही सिस्टम बिठा दिया सीएनजी का, क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मली देखते हो ना सीएनजी गाड़ियों को, तो उसमें बूट स्पेस या तो बिल्कुल होता ही नहीं है, और होता भी है तो ना के बराबर होता है। लेकिन भाई इसमें जो टाटा ने सिस्टम बिठाया है ना, उसकी वजह से यार आप लोगों को 210 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है सीएनजी होने के बावजूद भी। और ये सीएनजी कोई कम भी नहीं है, नॉर्मल अपनी वही 60 लीटर कैपेसिटी मिल जाती है वाटर स्टोरेज वाली, उतना ही है। तो कैसे है कैसे नहीं भाई, वो सारा आज आप लोग इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सीएनजी का स्टिकर आप लोगों को पीछे लगा हुआ मिल ही जाता है। एल्ट्रोज सीएनजी को टाटा ने 6 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। एक्सई जो कि इसका बेस वेरिएंट है, फिर एक्सएम प्लस, XM प्लस S, XZ, XZ प्लस S और XZ प्लस S ऑप्शन, जो कि आप लोग अभी सामने देख रहे हैं। चाबी की बात करें तो कुछ इस तरह की आप लोगों को यहाँ पर स्मार्ट की मिल जाती है, जिसमें कि अपना लॉक, फॉलो मी हेडलैम्प, बूट ओपन और अनलॉक के बटन्स मिल जाते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं बस की फ्रंट प्रोफाइल से, तो एकदम सेंटर में आप लोगों को एज ऑलवेज टाटा का लोगो मिल जाता है। ग्लोसी ब्लैक में यहाँ पे आप लोगों को फ्रंट ग्रिल मिल जाती है। अगर आप लोग उसे नीचे देखोगे तो पूरी आप लोगों को यहाँ पे क्रोम की गार्निश मिल जाती है एक ये वाली, और ऊपर तरफ आप लोगों को अगेन यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रीमियम लुक निकल के आता है। हेडलाइट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे अपने हेलोजन में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ये भी हेलोजन में रहेगा, और ये अपने हेलोजन में रहेंगे लेकिन प्रोजेक्टर बेस्ड रहेंगे, ये हो गया। नीचे की तरफ अपने हेलोजन में यहाँ पे फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, और साथ में अपने डीआईएल्स भी आ जाते हैं यहीं पर। सामने की तरफ अपनी नंबर प्लेट आ जाएगी, और लोअर बम्पर की बात करें तो वो कुछ आप लोगों को इस तरह का मिलता है। बाकी 165 mm की आप लोगों को इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, और यहीं पर ये हो जाती है अपनी फ्रंट प्रोफाइल पूरी कंप्लीट। हाँ, रेजिस्टेंस वाइपर्स आप लोगों को और मिल जाते हैं, इसका सेंसर आप लोगों को ऊपर की तरफ मिलता है, ये हो गया। बाकी पूरी ब्लैक आउट आप लोगों को इसमें रूफ मिलती है। डायमेंशंस की बात करें तो लंबाई आप लोग इसमें 13 फीट, चौड़ाई 5.7 फीट, और हाइट आप लोग इसमें 5 फीट की मिल जाती है। अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में, जिसमें सबसे पहले टायर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग डायमंड के टॉलर व्हील्स मिल जाते हैं, जिसमें कि अगर मैं प्रोफाइल दिखाऊँ तो वो रहेगी अपनी 185/60R16 की। गुडियर के आप लोग टायर मिलते हैं, जिसमें कि सामने तरफ अपने डिस्क और पीछे अपने ड्रम ब्रेक्स रहेंगे। डायमंड गेट मिलते हैं 16 इंचेस की। फेंडर पे ही आप लोग यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि आप लोग चाहे इसका बेस वेंट ले लो तब भी, और चाहे टॉप वेंट ले लो तब भी, ये इंडिकेटर आप लोगों को यहाँ फेंडर पे ही मिलेगा। साइड में अपने यहाँ पे ORM साइड आते हैं ग्लोसी ब्लैक में, जिसपे आप लोग नीचे तरफ यहाँ पे क्रोम का अगेन ट्रीटमेंट मिल जाता है थोड़ा, और ये अपने इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल, फोल्डेबल, रिट्रैक्टेबल, ऑटो फोल्डर सारे फीचर्स के साथ आते हैं। विंडो लाइन में आप लोगों को यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक का थोड़ा ट्रीटमेंट मिल जाता है, जो कि आगे तरफ काफ़ी बोल्ड स्ट्रिप मिलती है, जो कि पीछे जाती पतली हो जाती है, ये हो गया। ये कुछ लोगों को भी पसंद लगती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं लगती, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पीछे वाला पैसेंजर साइड डोर हैंडल आप लोगों ऊपर तरफ मिलता है, शार्क एंटीना और अपनी सनरूफ आ जाती है, क्योंकि टॉप वेरिएंट है इसलिए, ये हो गया। बाकी फ्यूल फिलिंग कैप आप लोग यहाँ पे मिलता है, और ये एक बार मैं आप लोग खोल के दिखाता हूँ। पेट्रोल में आप लोगों को 37 लीटर की कैपेसिटी मिलती है, और ये है अपने सीएनजी फिलिंग के लिए, और सीएनजी में आप लोगों को 60 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। ये अपना स्विच है ताकि गाड़ी ऑन ना हो जब तक कैप बंद ना हो, ये हो गया। बाकी अब बात करते हैं भाई पूरी बैक प्रोफाइल की। सो पीछे से कुछ इस तरह का लुक आता है इसका, जिसमें कि सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सीएनजी स्टिकर मिल जाता है, ऊपर अपना हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, डिफॉगर, अपना वाइपर, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग, और ये अपने थोड़े स्टाइलिश से मिलते हैं, एक स्पोर्टी फिनिश देने के लिए यहाँ पे दोनों साइड मिल जाते हैं आप लोगों को फिन टाइप से, टाटा की बैजिंग, एल्ट्रोज की बैजिंग, और यहीं पे आप लोगों को अपना रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, ये हो गया। पूरा लेडी सेटअप मिलता है आप लोग यहाँ पे, टेल लाइट में ये अपनी रिवर्स लाइट, ये अपनी ब्रेक लाइट, और यहाँ पे अपने नीचे आ जाते हैं इंडिकेटर्स, ये हो गया अपनी टेल लाइट का सेटअप पूरा। ICNG की आप लोगों को बैजिंग मिल जाती है, और पीछे तो दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं यहाँ पे। बाकी अगर लोअर बम्पर दिखाऊं तो वो आप लोगों को इस तरह का मिलता है, इसमें कि अपने दो रिफ्लेक्टर और एक अपनी स्टॉप लाइट मिल जाती है। बूट में अलावा आ जाता है भाई सबसे बड़ा मैजिक, यहाँ पे अपना ग्रैबिंग हैंडल मिलता है, ऊपर तरफ आप लोगों और कुछ नहीं मिलता, और पार्शियल ट्रे अपनी यहाँ पे इस तरह की मिल जाती है। बाकी इतना कुछ आप लोगों को स्पेस मिलता है। अब नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे ना तो बता नहीं सकते भाई इसमें CNG है। वैसे मैं बताऊँ तो अभी आप लोग इसमें 210 लीटर स्पेस मिल रहा है, और अगर मैं इस नकली बैग को मैं साइड रखता हूँ तो उसके नीचे आप लोग देख रहे हैं जहाँ स्टेप नहीं मिलती है ना स्पेयर व्हील, वहाँ पे आप लोगों को 2 टैंक मिल जाते हैं अपने CNG के 30-30 लीटर के, यानी कि टोटल 60 लीटर हो गया। और अपना जो ये बोल्ट देख रहे हैं, इस बोल्ट को खोलोगे तो नीचे से अपनी यहाँ पे स्टेप नहीं निकल जाती, जैसे अपनी SUV में होता है ना नीचे तरफ स्टेप नहीं, उस तरह का कुछ यहाँ पे सिस्टम लगाया गया है। तो अगर आप लोग नॉर्मल लेते हो पेट्रोल या डीजल वेरियंट इसका, तो आप लोगों को 345 लीटर की स्पेस मिलती है, और अभी CNG होने के बाद आप लोगों को 210 लीटर स्पेस मिल रहा है, यानी तकरीबन आप लोगों को 135 लीटर कम मिल रहा है, बाकी भी काफ़ी ज़्यादा है। और नीचे अपना प्लास्टिक लगाया गया है CNG के ऊपर, वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो आप लोग इसके ऊपर आराम से भारी सामान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो काफ़ी सही सिस्टम बिठा दिया टाटा ने इसमें, कि आप लोगों की CNG भी लग जाएगी और स्पेस में भी इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा। पैसेंजर साइड डोर की बात करें तो पूरा अपना डुअल ट्रिम में आता है, जिसमें कि अपना ऊपर पूरा हार्ड प्लास्टिक, नीचे अपने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जैसी फिनिश मिल जाती है, अपने ट्विटर फैब्रिक यहाँ पे पूरा, अपने पावर विंडोज कंट्रोल, नीचे अपना बोतल होल्डर, थोड़ा स्टोरेज स्पेस, और अपने स्पीकर्स आ जाते हैं।
बाकी अभी बात करते हैं एक बार अंदर की, तो मैंने जो को ड्राइवर सीट है एकदम आगे की हुई है और ड्राइवर साइड सीट एकदम पीछे। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं एकदम कम से कम स्पेस है, और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये एकदम मैक्सिमम स्पेस है, क्योंकि ये वाली सीट मैंने एकदम आगे की हुई है। तो इतना स्पेस आप लोगों को मिल जाता है अगर आप काफी ज्यादा लंबे हैं। बाकी मैं 6 फीट का हूं, मैं भी आराम से बैठ पा रहा हूं। ये हो गया, नीचे तरफ आप लोगों को यहाँ पे बंप ना के बराबर ही मिलता है। पीछे तरफ आप लोगों को एक यूएसबी सॉकेट मिल जाता है, 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे आप लोगों को, और थोड़ा सा एक स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, बस पीछे तरफ इतना ही है। ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो रूफ लैंप वगैरह कुछ नहीं मिलता, जस्ट आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे ड्राइविंग हैंडल्स मिल जाते हैं। बात करें पीछे की तो यहाँ पे आप लोगों को 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए, बीच वाले के लिए कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे आप लोगों को ये आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन इसमें आप लोगों को किसी भी तरह कोई कप होल्डर्स नहीं मिलते, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है। बाकी पीछे से अगर मैं बात करूं तो पीछे से आगे का व्यू कुछ इस तरह का आता है, और सामने आप लोगों को यहाँ पे ऊपर की तरफ सनरूफ भी मिल जाती है। बाकी आप चलते हैं ड्राइवर साइड और फिर बात करते हैं आगे की। नाउ ड्राइवर साइड डोर पे आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और डोर ट्रिम की बात करें तो सेम आप लोग डोल टोन में मिलता है, पूरा हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे, अपने स्टेनलेस स्टील की फिनिश, ट्विटर पावर विंडोज कंट्रोल मिल जाता है, और अपने आईआरवीएम्स कंट्रोल, नीचे अपना बोटल होल्डर स्टोरेज स्पेस, अपने स्पीकर सर आते हैं। ये हो गया। बाकी ड्राइवर साइड सीट की हाइट को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अपना मैनुअल रहेगा पूरा, और नीचे अपने तीनों पेडल्स मिलते हैं क्योंकि ये अपना मैनुअल वेरिएंट है। सीएनजी के साथ आप लोगों को ऑटोमेटिक नहीं मिलता, सिर्फ अपना मैनुअल मिल जाता है। ये है नीचे की तरफ, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, इधर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे अपने हेडलैम्प लेवलिंग के बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक की और सीएनजी में शिफ्ट करने के लिए। टाटा एल्ट्रोज ना एक ऐसी गाड़ी जिसमें कि आप लोग ना अगर चाहो तो सीधा सीएनजी में स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है अगर सीएनजी गाड़ियों में कि पहले आप लोग को ऑन पेट्रोल पे करनी होगी फिर सीएनजी में शिफ्ट करना होगा, लेकिन इसमें आप लोग टाटा एल्ट्रोज को डायरेक्टली सीएनजी में ही स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पे आप लोगों को सनवाइजर मिल जाता है, को ड्राइवर साइड सनवाइजर मिरर दोनों मिल जाते हैं, बीच में अपने यहाँ पे लाइट्स आ जाती है, एलईडी में रहेगी, काफी अच्छी बात है, और यहाँ पे अपने सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बस गाड़ी करते हैं ऑन और फिर आप लोग देखना। सो इतनी बड़ी आप लोगों को सनरूफ मिलती है, बंद कर देते हैं इसे यहीं पे ही। ये हो गया अपना। आईआरवीएम की बात करें तो डे एंड नाइट आप लोगों को आईआरवीएम मिल जाता है, लेकिन मैनुअल रहेगा ये वाला अपना, ऑटोमेटिक आप लोगों को इसमें नहीं मिलता। डैशबोर्ड आप लोगों को पूरा यहाँ पे प्लेन मिलता है, और सामने का अगर आप लोग यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन देखोगे ना भाई, एल्ट्रोज को इसलिए ही इंडिया की सबसे प्रीमियम और सेफेस्ट हैचबैक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई देख लो, ऊपर पूरा प्लेन, नीचे अपना यहाँ पे व्हाइट की फिनिश, और बीच में अपनी ये सेटिन सिल्वर कह लो उसकी फिनिशिंग मिल जाती है। काफी प्रीमियम लगती है भाई गाड़ी अंदर से सच्ची में। इधर अपने एसी वेंट्स मिल जाते हैं, वहां पे भी कुछ नहीं है, जस्ट इसी की फिनिशिंग आप लोगों को मिल जाती है। यहाँ पे अपना ग्रे का एक्सेंट मिल जाता है आप लोगों को, बीच में एल्ट्रोज लिखा हुआ मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो भाई यहाँ पे आप लोग देख पा रहे, कोई बटन नहीं मिलता क्योंकि कोई छुपा हुआ मिलता है। यहाँ पे सॉफ्ट ओपनिंग के साथ आता है अगेन, जिसमें कि आप लोगों को अंदर तक इल्यूमिनेशन मिल जाती है, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है आप लोगों को, और 2 पार्टीशन मिल जाते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, ये सीट एकदम आगे क्योंकि इसलिए इसके टच हो रही है, कहीं सोचो भाई स्पेस कम दे रखा टाटा ने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है एक आर्मरेस्ट जो कि अपना स्लाइडेबल रहेगा, और इसको अगर मैं खोल के दिखाऊं एक बार तो इतना सा कुछ आप लोगों को स्पेस मिलता है पिद्दू सा। बाकी अपना यहाँ पे मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के साथ, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये इसका मैनुअल वेरिएंट आप देख रहे हो, इसलिए यहाँ पे जो बटन है ना ये कुछ काम का नहीं है, मतलब बटन है ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते तो इस जगह आप लोगों को इको बटन का मोड मिल जाता है। ये हो गया। बाकी सामने की तरफ अपनी यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, इस तरफ एक अपना 12 वोल्ट का सॉकेट, और बीच में अपना एक टाइप सी सॉकेट मिल जाता है, और एक अपना यूएसबी सॉकेट मिल जाता है। ये हो गया। एसी यूनिट की बात की जाए तो भाई पूरा आप लोगों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, और ये आ जाता है इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम, इसकी बात भी करते हैं अभी। पहले एक बार स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, गाड़ी को ऑन करके फिर सारी बात एक साथ ही करेंगे। स्टीयरिंग व्हील आप लोगों को पूरा लेदर रैप मिलता है यहाँ पे, डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जिसमें कि एडजस्टमेंट आप लोगों को टिल्ट है और टेलीस्कोपिंग नहीं है भाई, टिल्ट ही मिलती है आप लोगों को टॉप मॉडल में भी। और लेफ्ट हैंड साइड अपने यहाँ पे आ जाते हैं वाइपर से कंट्रोल, जिसमें कि आप लोगों को ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाता है, और सेम अपना राइट हैंड साइड यहाँ पे अपने आ जाते हैं हेडलाइट से कंट्रोल, और यहाँ पे भी आप लोगों को ऑटो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे लोग ये छोटा सा ए देख पा रहे, ये बाकी अब करते हैं गाड़ी को ऑन, और ये देखो इस तरह कुछ एनिमेशन आती है। यहाँ पे अपना ये इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टार्ट हो गया। ये हो गया। अब बात करते हैं सामने। सो बीच में अपना यहाँ पे छोटा सा आप लोगों को एमआईडी मिल जाता है डिजिटल में, इस साइड अपना ये पूरा टैकोमीटर रहेगा, यहाँ पे ऊपर अपना ये फ्यूल गेज बताएगा, ये है अपना सीएनजी का, और ये जो आप राइट हैंड साइड देख पा रहे ये है अपना पेट्रोल का। ऊपर तरफ बीच में अपनी थोड़ी वार्निंग लाइट्स आ जाती है, और यहाँ पे अपना स्पीड बताएगा, यहाँ पे टाइम, नीचे अपना कितना चले ओडोमीटर वो, और यहाँ पे अपना टेम्परेचर बता देगा। बाकी क्रूज कंट्रोल आप लोगों को इसमें नहीं मिलता, सिर्फ आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे वॉइस के और टेलीमेटिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इन्फोटेनमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग 17.78 सेंटीमीटर का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, आप लोगों को एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाता है। साथ ही इसमें आप लोगों को एयर प्यूरिफायर भी मिलता है, सामने आप लोग यहाँ पे देख पा रहे एयर क्वालिटी कितनी है वो भी ये बता रहा है। तो भाई सब कुछ आप लोगों को इसमें मिल जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है,
भाई एल्टोस लोगों को पहले भी पसंद थी और आज भी पसंद है, लेकिन साथ में ये एक चीज ऐड कर देना, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो भाई सीएनजी या फिर यहाँ पे देख लो सीएनजी, भाई इससे ना गाड़ी भाई काफी अच्छी बन जाती है। क्यों? नॉर्मली आप लोग गाड़ी लेते हो भाई बूट से बिल्कुल खत्म हो जाता है सीएनजी में, लेकिन इसमें आप लोगों को फिर भी काफी सही बूट स्पेस मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कार्स। बाकी एक बार मैं अब आप लोग इसका इंजन भी दिखा देता हूँ। गाड़ी को करते हैं बंद। एज ऑलवेज टाटा की और गाड़ी की तरह भाई इसका हुड भी काफी हैवी है और आप लोग इंसुलेशन भी मिल जाती है इसके अंदर। बाकी अब इंजन की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को टाटा 1.2 लीटर का ICNG इंजन प्रोवाइड करता है जो कि अपना 3 सिलेंडर इंजन रहेगा और ये आप लोगों को 88 किलोवाट की पावर पेट्रोल में 73.5 किलोवाट की पावर अपनी CNG में प्रोवाइड करेगा। और टॉर्क की बात करें 115 न्यूटन मीटर टॉर्क पेट्रोल में और 103 न्यूटन मीटर टॉर्क अपना CNG में प्रोवाइड करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया CNG वेरिएंट है तो ये सिर्फ अपना मैनुअल में आता है, इसमें ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं मिलता आप लोगों को। बाकी अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो अगर इस वाले वेरिएंट की पर्टिकुलर जो अपना XZ प्लस ऑप्शनल वेरिएंट है इसकी दिल्ली की ऑनरोड प्राइसिंग की बात करें तो ये आप लोगों को तकरीबन बैठता है 12,40,000 रुपये बैठती है, लेकिन अगर आप लोग इसका बेस वेरिएंट लेंगे यानी कि XE वेरिएंट तो वो आप लोगों को तकरीबन 8,50,000 रुपये का बैठेगा। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो देख ली तो आप लोगों को पसंद जरूर आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी अब मैं आप लोग इसमें मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।